नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति गौर्मा गायत्री देवी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आजकल आलू मशरूम का बहुत प्रचलन है, तो आज मैं आपको ये आलू मशरूम कैसे बनता है ये बताने जा रही हूँ। ये आलू से ही बनाया जाता है और बिल्कुल मशरूम के शेप का ही बनता है, तो ये देखने में बड़ा ही सुंदर होता है और साथ ही बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। तो आइए मैं बताती हूँ आपको ये कैसे बनता है। हमने मीडियम साइज के चार आलुओं को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और धोकर रख लिया है। अब हम इसको गर्म पानी में उबालेंगे। इन आलू के टुकड़ों को हमने 10 मिनट के लिए उबालना है। ये ज्यादा ना उबले इस बात का हमको ध्यान रखना है। आलू पक चुका है, अब हम इसको बंद कर देते हैं और आलू को ठंडा होने देते हैं। इन आलुओं को हमने ओवर कुक नहीं होने दिया है और इसे बिना ढके ही पकाया गया है। अब ये जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। आलू को ठंडा होने के बाद हमने मसल लिया है, परंतु उसमें इस तरह के छोटे छोटे कण रह गए हैं आलू के, तो ये हमको नहीं चाहिए। एकदम स्मूथ सा डो हमको चाहिए, जो कि हम आटा गूंथते हैं तो जैसा रहता है उस तरह का। तो हमने इस तरह की छन्नी ले ली है और इसमें हम इस तरह से इसको छान लेंगे। इस तरह से जब हम इसको छानेंगे तो ये देखिए नीचे एकदम स्मूथ सा पेस्ट जैसा निकल रहा है, इसका हमको चिकना डो मिल जाएगा। अब देखिए इधर कैसा एकदम स्मूथ सा डो तैयार मिलेगा हमको। अब हम इसमें आवश्यकता अनुसार नमक मिलाएंगे। ये आधा चम्मच हमने नमक डाला है और साथ ही ये कॉर्न फ्लोर है जिसको हमने बराबर मात्रा में लिया है। जितना आलू हमने लिया था उतना ही कॉर्न फ्लोर भी है। तो अब हम इसको धीरे धीरे इसमें मिलाते हुए एक डो तैयार करेंगे ताकि ज्यादा टाइट भी ना हो और ज्यादा नरम भी ना हो। तो अभी हमने इसमें 4 चम्मच डाल दिया है कॉर्न फ्लोर और इसमें हमको पानी बिल्कुल नहीं मिलाना है। इसमें 2 चम्मच कॉर्न फ्लोर और हम मिला लेते हैं। इसमें हमने खाली नमक भर मिलाया है और कुछ नहीं मिलाया है। ये देखिए ये डो तैयार हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियां तैयार करते हैं। एकदम चिकना गोली तैयार करना है ऐसा, और इसको थोड़ा फ्लैट करते जाना है ऐसे। एक हम कांच की बोतल ले लेते हैं अब, और इसको थोड़ा सा सामने इसके हम इसने इस तरह से इसको कॉर्न फ्लोर में डुबा लिया है। अब इसको हम बीचों बीच रख के थोड़ा सा इसको मशरूम का शेप देंगे। देखिए इस तरह से हमको सारी गोलियों को इसी तरह से तैयार कर लेना है। उबलते हुए पानी में हमको इनको डाल देना है और तब तक उबालना है जब तक ये ऊपर ना आ जाए। ये उबल कर ऊपर आ चुका था, हमने गैस बंद कर दिया है। अब हम इसको अलग कर लेते हैं और थोड़ी देर इसको ठंडा होने देते हैं। 2 बड़े चम्मच हमने तेल को गर्म कर लिया है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच हमने अदरक को और 1 छोटा चम्मच हमने लहसुन को डाल दिया है। इसको अच्छे से हम थोड़ा सा गुलाबी कर लेते हैं हल्का सा। अगर आप मिर्ची ज्यादा खाते हो तो यहाँ पर हरी मिर्ची डाल सकते हैं। मैं इसमें मिर्ची नहीं डाल रही हूँ। अब हम उसमें ये मशरूम को डालते जाएंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा 1 छोटा चम्मच सोया सॉस, 1 छोटा चम्मच चिली सॉस और एक बड़ा चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे टमाटो सॉस और साथ ही हम यहाँ पर धनिया पत्ती डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं।
अगर आप मिर्ची ज्यादा खाना पसंद करते हो तो यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। और देखिए ये आपका मशरूम बनकर तैयार हो गया, कितना सुंदर दिख रहा है। इस तरह से आप अपने घर में आलू का मशरूम तैयार करिए और अपने बच्चों के साथ बड़ों को भी खिलाइए, और साथ ही मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भेजिए कि आपको कैसा लगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिले।